अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ए के क्रोशेट। आज हम अपने इस वीडियो में क्रोशे से ये स्क्रंची बनाना सीखेंगे, जो कि इलास्टिक हेयर बैंड पोनी टेल जो कहते हैं उस पर बनाएंगे। ये देखें, फ्लफी सी क्रोशिया से हम आज ये स्क्रंची बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 4 प्लाई वूल, सीजर, इलास्टिक बैंड। मैंने इम्पोर्टेड यार्न यूज़ किया है कैरन का, और इसके लिए मैंने 3.5 mm हुक यूज़ किया है, ये देखें, और इलास्टिक बैंड लिया है, नॉट लगा के, और फिर हम इस पे प्लास्टिक बैंड पे सिंपली इस पे अंदर से नीचे से हुक लेके और हम ऐसी बनाएंगे। अच्छा, इस टेल को साथ में सिक्योर करेंगे हम एक साइड पे रख के, और हम ऐसी बनाते जाएंगे इस तरह से। अंडरनीथ द प्लास्टिक बैंड हम हुक को लेके जाएंगे और सिंपल ऐसी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है आपको, अपने बैंड को सिंपल इसको बस ऐसे ही करते जाना है लूज हैंड से। इसको ना खींचना है ना आपने अपनी स्टिचेस को टाइट कर रखना है। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया राउंड। अब हमने इसको सिंपल स्लिप स्टिच करके क्लोज कर देना है राउंड को। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आपका जो इलास्टिक बैंड है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो जाए और ट्विस्ट ना हो ऐसी करते हुए। अगर वो ट्विस्ट होगा तो आपकी जो है ये बैंड भी ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। हमने 3 चेन लेके डीसी करा और उसी स्टिच पे हमने 2 डीसी और बनाया। अब ये देखें, सेकंड स्टिच पे 1 डीसी बनाया डबल क्रोशे, फिर दूसरा डीसी डबल क्रोशे, और फिर ये तीसरा डीसी यानी कि डबल क्रोशे, और फिर ये 4th डीसी। तो आपने इसी तरह करना है 1, 2, 3 और ये 4 डीसी। ये देखें, आपने ईच स्टिच पे 4 डीसी बनाने हैं। हर स्टिच पे, हर ऐसी पे 4 डीसी बनाते जाएंगे आप, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, हमारा स्क्रंची रेडी है। हम इसको फ्रिल को देखें कितना फ्लफी बना है, और अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा सिंपल जो हमारा स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज करते हैं। ये देखें, 3rd चेन पे हमने स्लिप स्टिच करा और इसको क्लोज कर दिया। अब हमेशा याद रखें, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो टेल उसकी काफ़ी सही लेंथ में कट करें, ताकि सीओ इन करने में आसानी हो आपको। टेल ये नहीं आप छोटी सी टेल कट कर दें तो थ्रेड कट करें जब अपना, तो छोटा सा थोड़ा सा करें, आपको अच्छा खासा सीओ इन करने के लिए आसानी होगी। और हमेशा याद रखें, जब भी सीओ इन करें तो अपने क्रोशे का जो आप प्रोजेक्ट है हुक यूज़ कर रहे हैं उससे छोटा हुक यूज़ लें, ताकि आपको सीवन करने में आसानी हो। ये एक बहुत आसान मेथड है सीवन करते हुए। देखें, हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे के स्टिचेस से करते हुए हम ये देखें, हम सिंपल नॉट बनाते जाएंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगी हमारी एंड्स। ये फिर ओपन नहीं होंगे। बहुत अच्छा तरीका है ये सिक्योर करने का आपके किसी भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने के बाद। ये देखें, जितनी आपने नॉट्स लगानी है लगाएं अपनी बैक साइड पे, और ये आपका सिक्योर हो रहा है। ये देखें, अच्छी तरह से लगा दें ताकि ये आपका हो जाए कंप्लीट। और ये हमने इसको कट करके थ्रेड को, ये देखें, हमारा कंप्लीट हो गया। होप यू ऑल इन्जॉय। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से सीखा होगा इसको। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।